के ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी में देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ते दिखाई दे रही हैं। शहर में खुलेआम यहां वहां गंदगी के अंबार लगे हैं। शहर के मुख्य सड़क जहां ऐतिहासिक धरोहर लोधी पार्क की दीवार के साथ नगर निगम ने पूरे शहर के कचरे को डालने के लिए चिन्हित किया है और अब खुले में पड़े कचरे की दुर्गंध आसपास के घरों में पहुंचने लगी है, जिससे आम लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। यही नहीं, लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। वहीं शहर में लगे गंदगी के अंबार में छोटे छोटे बच्चे आमतौर पर कूड़ा बीनते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शहर में फैली गंदगी से अब लोगों को बीमारियां फैलने का खतरा भी सताने लगा है। जहां एक ओर शहर में सफाई अभियान की पोल खुल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की गोवंश को बचाने की मुहिम भी फेल होती नजर आ रही है। इस गंदगी के ढेर पर दर्जनों गायें अपना पेट भरती साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। सर, डंपिंग पॉइंट हमें 1 से 18 वार्ड तक के निगम ने लिख के दिए हैं, उन्हीं पॉइंटों पे हम हमारे कूड़े करते हैं। जैसे 1 से 18 पॉइंट के वो लिस्ट आपको दे सकता हूँ, वो हर वार्ड में कुछ 4 से 5 पॉइंट है, उन्हीं पॉइंटों पे होते हैं। पे कुछ प्राइवेट वेंडर्स भी हैं और कुछ JBM के भी हैं। एक बार निगम कमिश्नर साहब के उस पर इंस्पेक्शंस पे इसके लिए टॉयलेट के पड़ोस में एक डंपिंग पॉइंट बनाने का वो हुआ था, जिसमें अभी तक वो डंपिंग पॉइंट नहीं बन पाया है। जैसे वो बन जाएगा वो पूरा वहाँ शिफ्ट कर देंगे। सीधी बहुत दूर तक बनाई है, प्रशासन ने बड़े पैसे खर्च किए हैं, सरकार ने बड़े पैसे खर्च किए हैं और हम लोगों को कितनी मुश्किल का सामना झेलना पड़ रहा है। हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं, रोज़ इतना कूड़ा फेंकते हैं, ये ट्राली वाले जो पर ये JVM कंपनी वाले हैं वो भी यहाँ छोटी छोटी ट्रालियों में कूड़ा यहाँ फेंक के जाते हैं और शाम तक जो है ना इसका निदान नहीं हो पाता है। और रोड से जो भी आदमी निकलता है, पशु जो है ना कूड़े को खाते हैं। सबसे पहले तो ये आवारा पशुओं को कहीं भिजवाने का वो करें, तो तब भी प्रशासन इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। लोधी पार्क के पास ये जो नवी सड़क बनाई है ड्रेन नंबर 1 के साथ साथ लोधी पार्क के बिल्कुल साथ, लाखों रुपए की लागत से सरकार ने इसको बनाया है, परंतु नगर निगम के द्वारा या जो भी प्राइवेट कंपनी है इसके द्वारा यहाँ बिल्कुल डंपिंग स्थल बना दिया गया है। आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से बच्चे छोटे लो चुके हैं, आवारा पशुओं को ठिकाना बना हुआ है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, यहाँ से निकलना बिल्कुल दुर्भर हो चुका है। साथ में आसपास से निकलने वाले व्यक्तियों से मक्खी मच्छरों का जो ठहराव हो गया, वहाँ पानी ठहरने लग गया, वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। मेरे मीडिया के माध्यम से पानीपत प्रशासन से, माननीय उपायुक्त महोदया जी से एवं नगर निगम के कमिश्नर से दरख्वास्त है कि इसका हल जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर सरकार और प्रशासन का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पानीपत के ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी को गंदगी में नंबर 1 का खिताब मिलेगा। फिर एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।